आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा भी आयोजन किया गया, जिसे आयोजन में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्नेहा केलकर द्वारा स्वनिर्मित स्वर्ण प्राशन दवा उपस्थित बच्चों को पिलाई गई। इस दवा से बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है और ये दवा विशेष समय में विशेष सामग्रियों को मिलाकर बनाई जाती है। आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाते हुए पूरे भिलाई शहर में अनेकों आयोजन हुए। इसी कड़ी में ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के कोहका स्थित कार्यालय में भी आज़ादी का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के आंगनबाड़ी के बच्चों को कॉपी पुस्तक एवं स्टेशनरी सामान प्रदान किए गए, साथ में मिष्ठान भी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि बच्चों के बुद्धि विकास में सहायक स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक दवा का वितरण भी किया गया। इस स्वर्ण प्राशन दवा को आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्नेहा केलकर के द्वारा विशेष समय में और विशेष वस्तुओं को एकत्र करके स्वयं निर्मित किया गया था। इस दवा से बच्चों में बुद्धिमत्ता का विकास तेजी से होता है और बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश पांडे एवं ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के डॉक्टर शिशिर मजुमदार ने जहाँ कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वहीं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्नेहा केलकर ने स्वर्ण प्राशन दवा को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई। स्वर्ण प्राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें जो औषधियाँ हैं मेद्य औषधियाँ रहती है, जिससे बच्चों के बुद्धि विकास और शारीरिक विकास में मदद मिलती है और बच्चे बार बार बीमार नहीं होते और जो भी तकलीफें आती, पेट दर्द जैसी समस्याएं, सारी चीज़ों का निवारण होता है। इससे पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में ही मोस्टली दिया जाता है, बहुत शुभ नक्षत्र होता है। 16 साल की उम्र तक नवजात शिशु से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों को दिया जाता है, जी किया जा सकता है, मतलब कस्टमाइज्ड करके किया जाता है, उनके लिए जनरलाइज, बच्चों के लिए हम जनरलाइज कर सकते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है इस स्वर्ण प्राशन और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में कि जैसे हर घर तिरंगा होता है, उसी तरह मैं हर घर में स्वर्ण प्राशन भी पहुँचाना चाहती हूँ। आज जो भी कार्यक्रम है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज जो है हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सुबह सुबह बच्चों को प्रभात फेरी निकाली और बच्चों के द्वारा सुंदर सुंदर कविताएं, मीठे मीठे गाने, आज़ादी के बारे में इनको बताना कि ये क्या है, किस चीज़ के महत्व है, ये वो समझे। दूसरी चीज़, हम लोग आज बच्चों को कॉपी, पेन, पुस्तक इसका वितरण किया ताकि वो आगे शिक्षा को प्राप्त करें। केवल हम झंडा फहराने से और एक दिन घर जाने से इससे कुछ नहीं होगा, बच्चों को हमें वो शिक्षा देनी पड़ेगी ताकि वो आगे कदम बढ़ाए, किसी का गुलामी ना करे। बहुत हो चुका गुलामी, अब हमको इस गुलामी से उठना है, इसीलिए हमें शिक्षा को ग्रहण करना है। ये सब देखते हुए हमने बच्चों को पेन, कॉपी, पुस्तक वगैरह आदि वो किए हैं और हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को हम थैंक्यू करते हैं, दोनों मैडम को, जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर पढ़ाता लिखाना सब चीज़ में उनका बहुत योगदान है। थैंक यू मैडम आपको कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। और जो भी है हम सब का सहयोग है, डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे जो भी साथी हैं, हमें गर्व है अपने साथियों पे, जो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग निचले स्तर से काम शुरू करते हैं, कोई काम ऐसा हम लोग नहीं करते हैं जहाँ दिखावा करना या हाथ जोड़ के और खूब अपने आप को शोभाजी, हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हम मानव अधिकारों के लिए फाइट करते हैं, करते रहेंगे और आखिरी दम तक करते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद। ह्यूमन राइट जो ओआरडीसी हैं डॉक्टर शिशिर मजुमदार सर के तत्वाधान में आज आयोजित कार्यक्रम में सभी लोग इकट्ठा हुए, बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट से लेके सारी मिठाइयाँ बांटी गई, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, ध्वजारोहण हुआ। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ पे आम नागरिक भी इकट्ठे हुए और बहुत हर्षोल्लास से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाए। दवाई का वितरण भी किया गया जी, क्या उसका उद्देश्य है? बिल्कुल, दवाई चूँकि मैं एक खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और यहाँ पे स्वर्ण प्राशन जो है और दवाई वितरण की गई, उसके स्थिति ये है कि उसके बारे में हम जाने, ये है कि
किस तरह से हम अपने इम्यून पावर को, किस तरह अपने हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ये और ये जो इस दवाई को जो तैयार करने का जो समय होता है, एक पुष्य नक्षत्र से लेकर एक विशेष नक्षत्र में तैयार की जाती है, इसलिए उस दवाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या काम करेगा? सबसे बड़ी हमारे न शरीर को बल्कि मन मस्तिष्क को, आत्मा को और शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ही लाभप्रद है दवा। ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों को उपलब्ध कराई गई स्वर्ण प्राशन दवा को लेकर बच्चों के पालकों ने हृदय से सभी का धन्यवाद किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।